गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्स टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सक सॉफ्ट लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 6 रुपए 60 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की रैली दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 304 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में ऊपरी लेवल पर एक गिरावट देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक में एक नीचे का लो बना 209 रुपीज का और यहां पर स्टॉक ने एक बॉटम बनने के बाद निचले लेवल पर स्टॉक में एक बड़ा अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आया, जहां पर ऊपर में स्टॉक ने 300 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और ऊपर एक सपोर्ट लेवल बनता है। स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिलती है और स्टॉक 244 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाकर फिर से स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलता है। और जो स्टॉक का पिछला हाई था 283 रुपीज, एक इंपॉर्टेंट हाई को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक में जो एक फ्रेश सपोर्ट लेवल बन चुका है, ये स्टॉक का जो पिछला हाई है 283 रुपीज, अब स्टॉक में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। जब तक ये स्टॉक 283 रुपीज से ऊपर है, स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 285 रुपीज का नीचे के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट अराउंड 365 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।